I drink beer, and I'm proud of that. But the beer I drink, before you quote me for that, is from Saudi Arabia, and it has like 2%, maybe 3% alcohol, and it's legal, and it's halal. One says, oh, it has alcohol. Akhi, if I drink half a pack, nothing happens. I drink beer. Did you, Sheikh Asim, say 2% to 3% in a drink is permissible because it does not waste? Yes, I did. Yes, I did. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तहनुम में आप सभी का खैर मकदम है। आखिर कैसे कैसे दिन देखने को मिल रहे, अब तमाम मामलात के लिए किसे जिम्मेदार ठहरा जाए, ये हमेशा का सवाल आज भी उसी तरह से खड़ा है जैसे पहले था। पर और अब वारदातों में इजाफा होता जा रहा है। कुछ ऐसी वारदातों का जिक्र करेंगे जिससे इतना यकीन हो जाता है कि अब अपने ईमान की हिफाजत बहुत मुश्किल होती जा रही है। मस्जिद, मदरसे, यहाँ तक अपने मुकद्दस मुकामात पर भी मनमानी हरकतों को अंजाम देते हुए पाया जा रहा है, और इन्हीं सरगर्मियों में हराम हरकतें भी हलाल बनती जा रही है। क्या अब यही देखना बाकी था? ऐसे बेख्तियार जवानों से निकल जाता है। सभी जानते हैं कि गलत हो रहा है, किसी में हिम्मत नहीं कि गलत को गलत कह सके। और इन्हीं बातों की निशानदेही और पेशेंगोईयां हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1400 साल पहले बताई थी। अब तो इस बात में कोई दो राय नहीं रही कि दौरे फितन के हम गवाह बन चुके हैं। घर घर में नाच गाना होगा, बुनियानियत फहिश आम हो जाएगी, यहाँ तक कि अब सड़कों पर फहिश कामों को अंजाम दिया जा रहा है, और देखने वाले भी अब इसे मामूली समझकर नजरअंदाज कर रहे हैं, और यही तो कयामत के दौर की निशानियां हैं। खैर, आज पहले उस बात से इस मौजू की शुरुआत करते हैं जिसमें हाल ही में शराब को सऊदी अरब जिसे जगहों पर बेचना गुनाह समझा जा रहा था, अब हलाल करार दिया जा रहा है। अब इस मौलाना नुमा शख्स को देखिए, इसका चेहरा, इसका लिबास इस बात की गवाही दे रहा है कि यह अरबी मुसलमान है, और हुकूमत की हिमायत में इसने बियर को गलत नहीं बल्कि हलाल करार दिया है, और हलाल कह भी रहा। शुरुआत में ही हमने इसका वीडियो दिखाया है। अब सऊदी अरब में हलाल बियर को बेचना शुरू किया गया है। वाज रहे के महज 2 या 3% अल्कोहल होने की बात भी कही जा रही है। कुछ जगहों पर तो 40% से कम अगर अल्कोहल होती है तो उसे हलाल करार दिया जा रहा है। मतलब क्या अब शराब को हलाल बना दिया जा रहा है? क्या हमने अब दीन इस्लाम को अपने हिसाब से हराम हलाल बनाया जाएगा? इस्लाम का अमूमन मतलब यही बताया जाता रहा है कि जिस बात को अल्लाह ने मना किया है उस बात से रुकना है, और जिस बात को करने का हुक्म दिया है उस पर चलना है। क्या अब अल्कोहलिक बार्स को हलाल करार दिया गया है? आखिर इसे क्या कहा जाए? ऐसा नहीं कि लोगों ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई, मगर जिन उलमा या दीनी रहनुमाओं ने हुकूमत के फैसले के खिलाफ आवाज उठाई, या तो इन्हें जेल भेज दिया गया या तो फिर इनकी मौत हो गई। जिस पाकीज़ा जगह पर अल्लाह का दीन फैला, जिस पाकीज़ा जगह पर कुरान नाजिल हुआ, अल्लाह के रसूल के पाकीज़ा कदम, पाकीज़ा खून के कतरे जिस ज़मीन पर गिरे, अब दुनियावी तरक्की और दुनियावी कामयाबी के पीछे यहाँ के हुक्मरान हराम चीज़ों को भी हलाल करते देखा जा रहा है। हाल ही में अबू धाबी में मंदिर तामीर किया गया। इस मंदिर पर भी कई उलमाओं ने हुकूमत के फैसले पर आवाज उठाते हुए कहा कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है और यहाँ बुत परस्ती को फरोग दिया जा रहा है। इसी तरह सऊदी अरब में अब नाच गाना और फैशन शो का एहतमाम किया जा रहा है। हाल ही में सऊदी अरब का मरकजी शहर जद्दा में ब्रिटेन के साथ मिलकर फैशन शो वीक के नाम से पूरा हफ्ता अरब खवातीन की नुमाइश की गई, करोड़ों रुपए उड़ाए गए। इसी तरह पिछले साल रियाद में बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान का प्रोग्राम रखा गया था, हजारों लोगों ने इसमें शिरकत फरमाई और नाच गाने पर करोड़ों खर्च किए गए। आज उम्मत में ये भी देखा जा रहा है कि नाच गाने के अगर शो होते हैं तो वहां आपको मुसलमानों की काफी तादाद नजर आती है। बुरखे में औरतें तक उसमें शरीक होना गोया फख्र समझते हैं। आखिर क्या क्या बुराइयों को हमने उस मुकद्दस जगहों पर शुरू किया है जहां से इस्लाम का परचम सर दुनिया में लहराया था। नाचना, गाना, जना, अब शराब भी हलाल करा दी गई, इसे क्या कहा जाए? अब थोड़ा मुंबई का भी ये मंजर देख लीजिए जिसमें मस्जिद में फिल्म की शूटिंग की जा रही है। मस्जिद के जिम्मेदार ने शूटिंग की इजाजत दी थी, ऐसा भी इस वीडियो में कहा जा रहा है। आखिर और किस बुराई का हम इंतजार कर रहे हैं? जान दुनिया भर में मुसलमानों को काटने मारने की धमकी तो दी जा रही है और साथ में इज्जत आबरू से भी खिलवाड़ किया जा रहा है, दीन अहकामात को तार तार किया जा रहा है, पर आज भी पूरी उम्मत गफलत की नींद में ऐसे सो रही है जैसे इसे किसी की परवाह ही नहीं। कहने को महज दावे बाकी हैं।
पर हकीकत कुछ भी नहीं है। ये उम्मत हकीकत में वो नहीं है जिसकी गवाही कुरान देता है। हम बहुत बहुत दूर जा चुके हैं, और जब दीन से दूरियां इख्तियार की जाती है तो फिर इसका मरना भी लाजिम हो जाता है। और आखिर आसमान से क्यों कर फरिश्ते नाजिल होंगे? हमने दीन की खातिर, इस उम्मत की खातिर, इस्लाम दीन की खातिर क्या किया है जो अल्लाह हमारी मदद करेगा? कहां कहां तक दीन को बदनाम करते रहेंगे हम? हर जमात, हर मसलक, हर फिरका अपने आप को जन्नती समझता रहता है, और यह आज भी बरकरार है जबकि तमाम मसलक फिरके दीन से दूर जा चुके हैं। आपसे मोहब्बत, भाईचारा तो कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा, और हकीकत में अपने दिल पर हाथ रख कर तो बोले कि खुद कितना गुनाहों की दलदल में धस चुका है। यहाँ तक मस्जिद में फिल्म शूटिंग तक पहुंच जाते, इसे क्या कहा जाए? और भारत का मुसलमान भी कोई बहुत बड़े अमल के मैदान में और अल्लाह के नजदीक है, ऐसा हरगिज ना समझे। कैसे आरएसएस वालों की चापलूसी कर रहे हमारे दीनी रहनुमा, इसे भी समझने की जरूरत है। किसी तंजीम इदारे पर पाबंदी लगा दी जाती है महज मुसलमान होने की बिना पर, तो बिला वजह टीवी पर आकर पाबंदियों की हिमायत करने वाले यही तो यहाँ के नाम निहाद मौलवी नुमा लोग रहते हैं। इससे अंदाजा हो जाता है कि यहाँ भी मुसलमान किस दर्जे का रहता है। अब यकीनन अपने दिल को मुतमैन करने के लिए हर फिरका, मसलक या जमात सही समझ सकती है, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल के नजदीक किसकी क्या औकात है, इसका हिसाब तो अल्लाह के नजदीक ही होगा। लिहाजा तमाम बुराइयों को खुलेआम रोनुमा होते देखते हुए भी इतना जरूर कह सकते हैं कि हम अपने आप को, अपने घर वालों को, फिर अपने रिश्तेदारों को बुराइयों से बचाने की कोशिश कर सकते हैं। हम बहुत कुछ कहते हैं, सोचते हैं, पर करते कुछ नहीं है। जो करना है उस पर तवज्जो देने से दिगर खुराफात में मुलविस होते रहते हैं, और खासकर अब तो चुनाव का माहौल देखा जा रहा है, और सियासी पार्टियों के और इनके लीडरों के इनके पीछे लगने की ज़हनियत तो अरसे से पनप रही है। किसी दीनी जमात से भी ज्यादा आजकल मुसलमानों का सियासी पार्टियों की मोहब्बत बढ़ चुकी है। इसी तरह इज्तमा, उर्स का वाली जुलूस, इसके बाद हर दो महीने को उमरा का टूर करने वालों की फहरिस्त भी रोजाना तवील होती जा रही है। अब तो टूरिस्ट ट्रैवल वालों का धंधा भी तेजी में है। जहाँ एक तरफ मुसलमानों मईशत का रोना रोया जाता है, यहाँ तो उमरा के काफिले जा रहे हैं। झोपड़पट्टी और गरीब मोहल्लों में जहाँ एक तरफ जिंदगियां सिसक सिसक कर मर रही है, वही दो तीन महीने में उमरा का टूर करने वाले दीनदार लोग लाखों रुपए खर्च कर नेकियां भी कमा रहे हैं। मुख्तलिफ मसाइल में मुस्लिम माशरा उलझा हुआ है। गली मोहल्ला में अड़ोस पड़ोस से हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं है, रिश्तेदारों से हमने ताल्लुकात अच्छे नहीं रखे हैं। शादियां तो हर साल सैकड़ों हो रही है, पर तलाक और खुला का भी बढ़ता रेशियो उम्मत का हाल बयान कर रहा है। लड़का लड़कियां कैसे गलत कामों में मुलविस है, इसकी तो खबरें आए दिन देखने सुनने को मिलती रहती है। यहाँ तक मुस्लिम लड़कियां गैरों के साथ ताल्लुकात रखने में गलत नहीं समझ रहे, कुछ तो शादीशुदा होकर भी गलत कामों की नजर हो चुके हैं। तमाम बुराइयों में अब मजीद यह है कि इस्लाम के मुकद्दस शहरों में भी हराम कामों को फरोग दिया जा रहा है, और इन तमाम मामलों में उलमाए दीन खामोशी इख्तियार किए हुए, और यह भी कयामत की निशानियों में से है एक कह सकते हैं। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।